प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं रताश गुप्ता, फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ जूलॉजी डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, वर्तमान में सेवानिवृत्त हूँ। और इस शुभ इन शुभ घड़ियों में मैं कविता सृजन करता हूँ। आज आपके सामने जो कविता पाठ करूँगा उसका शीर्षक है विश्वास पात्रों में विश्वासघात। विश्वास पात्रों में विश्वासघात। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये एक हमारे जीवन में जीवन को हमें जीना चाहिए नीति नियम के अनुसार है। इसको जीवन को हमें जीना चाहिए जैसे चिर परिचित पुराने टाइम टेस्टेड जो समाज के जो रीति रिवाज रहे हैं उन्हीं के अनुसार। और वैसे जैसे अब ये जो देश बन गए हैं और देशों में फिर हमारे पास संविधान है, संविधान के रूल एंड रेगुलेशन उनके अनुसार रहना पड़ता है। उसी प्रकार प्रिय मित्रों जीवन में हमें कुछ रूल अपनाने पड़ते हैं और वो रूल हैं कि विश्वास जिसे कहते हैं, विश्वास जीवन की गुट्टी है, विश्वास जीवन की सफलता का अर्क है, विश्वास एक ऐसा मूल फलों का रस है जिसका एक बूंद भी मिल जाए तो ये समझ लो कि शरीर आपका हमेशा के लिए स्वस्थ हो गया, कभी रोग ही नहीं लगेगा। विश्वास एक ऐसी अनची चीज है कि जिसकी ये समझ लो कि जैसे सेंट लगाई ना तो सुगंध दूर दूर तक जाती है, उसी तरह से अगर विश्वास है आपस में और किन्हीं दो व्यक्तियों में तो उसकी सुगंध दूर दूर तक जाएगी। दो मित्रों में अगर विश्वास है तो जनता भी जो है ना एक मिरर है, आईना है, और दो मिरर पहचान जाती है कि इन दोनों में बहुत जबरदस्त दोस्ती है और इन दोनों में एक दूसरे पर विश्वास बहुत ज्यादा है और वो बात दूर दूर तक जाती है, ऐसे जाती है जैसे कोई सुगंध जाती है फूलों की दूर दूर तक। तो मैं तो मित्रों आपसे ये कहूँगा हम इसे ध्यानपूर्वक सुने और विश्वास में हम अपना ध्यान रखें, विश्वास में आस्था रखें, उसमें अपना ईमान रखें और विश्वास पात्र को ठोकर मार के बाहर निकाल दें, जीवन बड़ा सुंदर बन जाएगा। देखिए क्या कहता है, बहुत अनमोल शब्द इसमें है। मैंने ये कविता 5 साल पहले लिखी थी, 2016 में ये छपी है। इस कविता संग्रह का नाम है मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग दो। और इसमें मैं खुद ही अब हैरान रहता हूँ कि मैंने पता नहीं कैसे लिख दी, आज मैं लिख नहीं सकता ये कविता। देखिए क्या क्या कहता है कवि, भरोसे से नूर टपकता, जो भरोसा है ना विश्वास, भरोसे से नूर टपकता, विश्वास में दिव्य रूप है झलकता, भाईचारे से जीवन प्रवाह कायम रहता, फिर क्यों कर हर पल हर क्षण छल छदम का खतरा रहता। भरोसे से है नूर टपकता, विश्वास में दिव्य रूप झलकता, भाईचारे से जीवन प्रवाह कायम है रहता, फिर क्यों कर हर पल हर क्षण छल छदम का खतरा है रहता। यह सब क्या है दिन प्रतिदिन, यह सब क्या है दिन प्रतिदिन, अब विश्वास शनै शनै क्षय है होता रहता, कोढ़ी असहाय निर्बल भांति लड़खड़ा के चलता रहता। कौन विश्वास, विश्वास किसका रूप दिया है इसमें, अविश्वास को किसका रूप दिया है, अविश्वास को, जब विश्वास को अविश्वास ने उसने उसको छल दिया तब विश्वास का क्या रूप हो जाता, वो ये है कोढ़ी असहाय निर्बल भांति लड़खड़ा के है चलता फिरता, क्यों कर संकीर्ण व्यवहार विश्वास पात्र से है विश्वासघात है करता रहता। वैसे तो विश्वासघात पुरानी इंसानी फितरत है, वैसे तो है विश्वासघात पुरानी इंसानी फितरत, ये हमेशा हमें है हर पग पर डगमगाता रहता अगल बगल और मन के अंदरूनी छल छदम प्रकोष्ठ विशेष में, न चाहने पर भी हमें बर्ताव में हमारे बर्ताव में है छलक जाता, जैसे हो सागर में गागर, जैसे हो सागर में गागर। ये सब क्या है, ये सब क्या है, विश्वास पात्रों में विश्वासघात का डंस क्यों समाया है, ये सब क्या है, विश्वास पात्रों में विश्वासघात का डंस क्यों समाया है, क्यों है ये गहरा काला साया चारों ओर फैलाया है, काले स्याह विश्वासघात के बदरंगी रंग ने सबको भरमाया है वह ललचाया है। जीवन नैया, जीवन नैया यूं भी है सहज पार लग जाती, बिना छल छदम के भी लग जाती है, ये कह रहा है। जीवन नैया यूं भी है सहज
पार लग जाती सरल विश्वास के चप्पू सहारे, सरल विश्वास के चप्पू सहारे जीवन के तूफान से हो स्वयं महफूज, किनारे लग जाती कभी इधर कभी उधर अंत में विश्वास की ही शरण में आ जाती। अब देखो कभी क्या कह रहा है, तुलना कर रहा दोनों चीजों की, विश्वासघात और विश्वास पात्र की। विश्वासघात है विश्वास पात्र, विश्वास पात्र व विश्वासघात क्रमशः सदाचार व दुराचार के दो प्रतिरूप है। विश्वास पात्र व विश्वासघात क्रमशः सदाचार व दुराचार के दो प्रतिरूप हैं। विश्वासघात है दुराचार व अत्याचार की विशैली, नव यौमना मादा सापन इससे बचना ये है नवेली, नरक लोक की नर्तकी जहरीली सापन। कौन है विश्वास? मैं दोबारा पढ़ता हूँ, बहुत बढ़िया चीज कह गया। विश्वास पात्र व विश्वासघात क्रम से सदाचार व सदा दुराचार के दो प्रतिरूप हैं। और विश्वासघात क्या वो कह रहा है? विश्वासघात है दुराचार व अत्याचार की विशैली, नव यौमना मादा सापन इससे बचना ये है नवेली, नर्क लोक की नर्तकी जहरीली सापन। अच्छा होता मानव ये तथ्य जान ले, अच्छा होता मानव ये तथ्य जान ले विश्वास पात्र व विश्वासघात में फर्क जान ले। अच्छा होता मानव ये तथ्य जान ले विश्वास पात्र व विश्वासघात में फर्क जान ले। अपनी खातिर सबकी खातिर, अपनी खातिर सबकी खातिर विश्वासघात को त्याग दे विसार दे, जीवन में विश्वास पात्र को मन मंदिर में सजा ले। कहाँ जाना है और कहाँ जाना है और कहाँ से आए हैं कभी नहीं जान नहीं जाना, कहाँ जाना है और कहाँ से आए हैं कभी न जाना, न ही इस संसार में सदा रहना यहाँ से जरूर है जाना। फिर क्यों छल कपट छल छदम, छदमी न बन स्वार्थ से किनारा कर ले छल छदम यहीं रह जाना है। विश्वास पात्रों में विश्वासघात, विश्वास पात्रों में विश्वासघात दुष्ट सोच है महापाप है, विश्वास पात्रों में विश्वासघात दुष्ट सोच है महापाप है, यह सर्वत्र नरक लोक का निर्णायक है और नरक लोक का ही पासपोर्ट है, इसे विसार दे इसे त्याग दे यह मन से लिपटी दुर्गंधवास है, इसे विसार दे इसे त्याग दे यह मन से लिपटी दुर्गंधवास है। मित्रों मैं आपके लिए दोबारा पढ़ूंगा कि अविश्वास क्या है। विश्वास पात्रों में विश्वासघात, विश्वास पात्रों में विश्वासघात दुष्ट सोच है महापाप है, यह सर्वत्र नरक लोक का निर्णायक है, नरक लोक के ही निमित्त पासपोर्ट है, इसे विसार दे इसे त्याग दे इसे यह मन से लिपटी दुर्गंधवास है। अंतिम मेरी मान ले तथ्य जान ले। अब ये कभी कह रहा है और कभी वो अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सारे समाज में से एक बंदे की तरफ से कह रहा है जो निर्णायक है सही चीज जानता है। तो वो बंदा कह रहा है, क्या कह रहा है? मेरी मान ले तथ्य जान ले, निरी सूखी घास है ये विश्वासघात, मेरी मान ले तथ्य जान ले, निरी सूखी घास है ये विश्वासघात, चर चर करके छन में जल जाती, चर चर करके छन में जल जाती, ये आधारहीन है अर्थहीन है, ये आधारहीन है अर्थहीन है, बेमोल का है घृणित विश्वासघात, बेमोल का है घृणित विश्वासघात। मुझे आज्ञा दें दोबारा पढ़ूंगा। मेरी मान ले तथ्य जान ले, निरी रूखी निरी सूखी घास है ये विश्वासघात, चर चर करके छन में जल जाती ये आधारहीन है अर्थहीन है बेमोल का है घृणित विश्वासघात। जय हिंद।